इंटर स्पेसिफिक इंट्रेक्शन द म्यूचुअलिजम फर्स्ट था कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअलिज्म द एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म इंक्लूड क्लॉन फिश एंड दी एनिमोल एंड द क्लिनिंग म्यूचुअलिज्म फर्स्ट था म्यूचुअलिजम स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो द म्यूचुअलिज्म म्यूचुअल किसे कहते हैं म्यूचुअल कहते हैं बाहमी दोनों चीज़ों को अगर बेनिफिट हो रहा था हम क्या कहते हैं एक म्यूचुअल फंड है म्यूचुअल फंड मीन जैसे आप बैंक में जाते हो तो बैंक वाले कहते हैं जी हमारा एक म्यूचुअल फंड है म्यूचुअल फंड का मतलब यह है कि जो बंदा डिपॉजिट करवाएगा उसको भी बेनिफिट होगा और बैंकों को भी डेफिनेटली नहीं बैंक आपकी रकम कहीं इन्वेस्ट करता है जो बेनिफिट होता है वो आप भी यूज़ करते हैं और बैंक भी यूज़ करता है तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल मीन जब दोनों चीज़ों को क्या हो रहा होता है बेनिफिट हो रहा होता है तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में या इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन में म्यूचुअलिज्म एक ऐसा फिनोमिना है इन विच टू स्पीशीज दे आर विद ईच अदर एंड बोथ आर गेटिंग बेनिफिट कि दो स्पीट आपस में इंटरेक्ट करेंगे और दोनों को क्या होगा बेनिफिट होगा तो इस केस को हम क्या कहेंगे म्यूचुअलिज्म कहेंगे तो म्यूचुअलिजम भी हमारे पास सेम्बाओसिस की एक टाइप है सेम्बेसिस की थ्री टाइप्स हैं दैट इज अ म्यूचुअलिज्म कोमेंशलिज्म एंड दर वन इज अ पैरासिटिज्म तो ये थ्री जो टाइप्स हैं तो म्यूचुअलिज्म द टाइप ऑफ uh, हमारे पास जो सेम्बोसिस की एक टाइप होगी ये सो दे आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म इन एनिमल्स एनिमल्स के अंदर हमें म्यूचुअलजम की बहुत सारी टाइप्स जो है एग्जाम्पल्स मिलती हैं एनिमल्स के अलावा प्लांट्स के वगैरह भी जैसे लाइकन्स के अंदर हम जानते हैं कि लाइकन्स के अंदर एल जी और फंजाई मिलकर रहते हैं तो रिजल्ट क्या है कि एल जी जो है वो फूड देता है जबकि फंजाइस को साथ प्रोटेक्शन दे रहा होता है वाटर स्टोर होल्डिंग कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है तो इस तरह से लाइकन के अंदर एल जी और फंजाई दोनों मिलकर एक दूसरे को बेनिफिट कर दे रहे होते हैं दिस इज एक्चुअली द तो म्यूचुअलिज्म जो है वो सैमबर्स की एक ऐसी टाइप है जिसमें दोनों को फिर बेनिफिट हो रहा होता है एनिमल किंगडम के अंदर लार्ज बहुत सारी हमारे पास जो है वो डेफिट की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं वन इज द क्लोन फिश एंड द सी एनिमोन क्लोन फिश आर द वेरी स्मॉल फिश विच लिव इन द सी ये स्मॉल फिश होती हैं जो आमतौर तो पर बड़े ब्राइट जो है उसके ऑरेंज कलर येलो ऑरेंज कलर पर मौजूद होती हैं सो दे लिव विद इन द सी एनिमोन ये आमतौर तो पर सी एनिमोन के अंदर क्या होता है कि अपनी नेस्टिंग बनाते वहाँ रहती हैं सो so, वट इज द बेनिफिट ऑफ दिस एसोसिएशन क्लोन फिश और सी एनिमोन के आपस में एसोसिएशन का क्या बेनिफिट है क्लोन फिश को जो बेनिफिट है वो ये वेन देर इज एनी डेंजर जब भी कोई डेंजर होगी तो क्लोन फिश विल मूव इन टू द सी एनिमोन तो वो सी एनिमोन के क्या उसके बॉडी के अंदर साथ जा, जाकर जो जा वो सी एनिमोन के जो वो अपने आप को जो सेव कर लेगी फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द सी एनिमोन वट सी एनिमोन इज गेटिंग फ्राम द कलोन फिश सी एन इमून जो है वो क्लोन फिश से क्या हासिल कर रहा है इट इज गेटिंग द फूड सम सॉर्ट ऑफ फूड जो है वो क्या होता है कि इसको जो सी एनिमूड है उसको हासिल हो रहा था फ्राम द फिश तो हेर इन दिस डायग्राम हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सी एनिमून है और सी एन मोन के दरमियान में आप देख रहे हैं कि दो क्लोन फिश जो है बैठी हुई है so, when there is any danger, तो वेन देयर इज एनी डेंजर जब भी कोई डेंजर होगा ये आमतौर पर क्या करेंगे इसके अंदर आकर जो है वो छुप कर बैठ जाएंगी जब जा खतरा नहीं होगा तो बाहर जाकर ये फीडिंग स्टार्ट कर देंगे अपनी लाइफ एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करेंगी तो इस तरह से क्लोन फिश को मिल रही है प्रोटेक्शन और सी एन को इसी क्लोन फिश की वजह से जो है वो फूड अवेलेबल होगा किसी हद तक जो उसको फूड मिलेगा देन द अदर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज द क्लीनिंग म्यूचुअलिज्म क्लीनिंग म्यूचुअलिज्म एक आमतौर तो पर फिश के अंदर एक ऐसा फिनमिना है जिसमें एक लार्ज फिश जो होता है फिश है उसकी स्माल यूनिवर्टिड या स्मॉल स्माल जो होती हैं उसकी क्लीनिंग करती हैं तो क्लीनिंग म्यूचुअलिज्म में क्या होगा कि लार्ज फिश जो होती हैं दे आर क्लीन बाय द स्मॉल फिशज आर स्मॉल इनवर्टिव्रेड्स अब उस क्लीनिंग में क्या बेनिफिट है जो स्मॉल फिश होगी जब उसकी क्लीनिंग कर रही है तो आमतौर उसकी अब लार्ज फिश के ऊपर जो एक्टोपैरासाइट्स हैं या कोई और चीज़ें मौजूद होंगी उनको ऐसे क्या करेगी वहाँ से रिमूव कर देगी ईटअप कर जाएगी खा जाएगी जिससे जो क्लीनिंग फिश है वो क्या कर रहा है वो लार्ज फिश की कर रही है सफाई तो इट मीन लार्ज फिश जो है इट इज़ गेटिंग बेनिफिट बेनिफिट ले रही है कि अगर उसके ऊपर पैरासाइट्स मौजूद हैं या कोई और चीज़ है उसको फिश क्या कर रही है खत्म कर रही होती है अब जो स्मॉल फिश है उसको क्या बेनिफिट है स्मॉल फिश चूँकि लार्ज फिश के साथ रहती है उसकी इवन औरल कैविटी के अंदर और बाकी जो होते हैं गिल्स के नीचे उसकी सफाई कर रही होती है सो तो अगर कोई प्रिडक्टर अटैक करेगा तो वो स्मॉल फिश जो है वो उस लार्ज फिश की वजह से क्या होगी कि वो सेफ रह जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो क्लीनर है जो साफ करने वाली फिश है वो इट इज़ गेटिंग बेनिफिट बाई द इन दम ऑफ प्रोटेक्शन ये प्रोटेक्शन की फॉर्म है और सेकंड इट इज गेटिंग फूड फ्रॉम द फर्स्ट फिश फर्स्ट फिश से क्या ले रही है फूड ले रही है जबकि जो सेकंड फिश है जो बड़ी फिश जो है उसको बेनिफिट ये है कि उसके जो है वो अल्टीमेट क्या है उसकी जावो, जो है वो जो पैरासाइट्स वगैरह से जो उसकी जो है वो प्रोटेक्शन हो रही होती है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास इज अ लार्ज फिश एक बड़ी फिश है इसके गिल्स के ऊपर दो तो हमें स्मॉल फिश नजर आ रही हैं वट दीज स्मॉल फिश आर डूइंग हेयर ये दोनों स्मॉल फिश जो है इस गिल्स के ऊपर मौजूद एक्टो पैरासाइट्स को जो है वो खा रही हैं इस तरह से लार्ज फिश को बेनिफिट ये है कि ये स्माल फिशेज जो होते हैं उसके पैरासाइट्स को ख़त्म कर रही हैं उसकी बीमारी ख़त्म कर रही हैं और स्माल फिशेज को बेनिफिट ये है कि फूड भी मिल रहा है और साथ प्रोटेक्शन भी मिल रही है